फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एंटरटेनमेंट एंड एजुकेशन। कहीं घूमने का प्लान आपने बनाया? नहीं बनाया तो जल्दी बना लीजिए, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूँ अपने सिटी की ओला कैब के बारे में, जो कि आजकल बहुत पॉपुलर है। बड़े आराम से कम रेट्स पर आप यहाँ से वहाँ ट्रैवल कर सकते हैं। तो आज तो इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको इतना बताऊँगा कि उसमें पेमेंट ऑप्शन क्या क्या हैं और आपके उसमें क्या क्या फीचर्स हैं। सिर्फ इसके बारे में अगली वीडियो में मैं किस तरह से पेमेंट की जाती है, किस तरह से आप बुक कर सकते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। तो मैंने डाउनलोड किया है, आप भी डाउनलोड अगर नहीं किया है तो आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर पर जाके ओला नाम से सर्च करके। तो मैंने डाउनलोड किया है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो इसमें पहले से ही आपका GPS ऑन होता है, तो वो उसके अकॉर्डिंग आपकी लोकेशन ले लेता है। इसके अलावा आप ऐसे भी सर्च कर सकते हैं आपका कर्सर मूव करके, या इसके अलावा आप यहाँ पे लिख कर भी मूव कर सकते हैं, जैसे मैं कर रहा हूँ। बोल्ट फिटनेस जो कि नेहरू कॉलोनी में है, वो आपको दिखा देगा। ये देखिए, तो यहाँ पे मुझे पिक करना है और मुझे ड्रॉप करना है कहाँ पर। तो मान लीजिए मैं लिखता हूँ राजपुर रोड, तो ये दिखाएगा मुझे कौन कौन सी जगह। तो मैं जाता हूँ सेकंड नंबर पे, राजपुर रोड एसले हॉल इरीगेशन कॉलोनी, ठीक है। तो अभी मैं नीचे आपको नहीं बता रहा हूँ कैसे बुक करनी है, अभी मैं आपको इसके स्लाइड साइड में दिखाता हूँ। सबसे ऊपर देख सकते हैं आप, मेरा नाम है और मेरा नंबर है, वो रजिस्टर हो चुका है। तो अगर मैं और डिटेल दिखाऊं तो इसमें मेरी आईडी जो है वो लग चुकी है। इसके अलावा आप कॉर्पोरेट प्रोफाइल अगर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। सेफ्टी एंड प्राइवेसी के लिए पूरा इसमें ऑप्शन दिया गया है, आपका नंबर आपका ईमेल पूरा सेफ रहेगा। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट आप इसमें ऐड कर सकते हैं, अपने फैमिली के, अपने जान पहचान वालों के। राइड सेटिंग का ऐसा है कि आपको उसमें जो जो चीज़ें चाहिए सुविधा में, आपके जो भी राइड होगी तो उसके लिए आप चेक कर सकते हैं, जिसमें आपका ओला वाईफाई हो सकता है, या राइड इंश्योरेंस हो सकता है, या आपका डोनेशन हो सकता है जो आप अपनी तरफ से दे सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से आप जब कर लेंगे लॉगिन, उसके बाद पहले नंबर पे आप देखेंगे ओला पास। तो ये ओला पास जो है अभी आए नहीं है, लेकिन देहरादून में ये जल्दी आ जाएगा। इसके बाद देखते हैं शेयर पास। ये पास वो होते हैं जो कि अपनी आपकी राइड जो है उसको सस्ते से सस्ता करने के लिए होते हैं। जैसे मैंने ये अभी करा रखा है, 75 रुपीज़ पर राइड मेरी पड़ेगी 7 किलोमीटर के एरिया में, ये मैंने इसमें किया हुआ है। इसके बारे में देखिए, आप डिटेल ये लिखी हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस, फ्लैट फेयर इज एप्लीकेबल अप टू 7 किलोमीटर, माइक्रो फेयर्स अप्लाई बियॉन्ड 7 किलोमीटर, टोटल टोल चार्ज एक्स्ट्रा। लेकिन अपने सिटी के अंदर 7 किलोमीटर के अंदर कोई टोल ऐसा नहीं है, तो ये बड़े आराम से चल सकती है। एक मैं यूज़ कर चुका हूँ, तो ये 4 अभी मेरी बाकी है, है? तो ये जो पड़ता है आपका, वो पड़ता है ओनली 29 रुपीज़ का। इसके अलावा और भी इसमें पास होते हैं, वो मैं धीरे धीरे आपको बताऊंगा। अब आता है नेक्स्ट, बुक योर राइड। ये मैं अपना जैसे आपको बता चुका हूँ कि इस तरह से जो ऑप्शन आता है वो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है योर राइड, ये जो मैंने प्रीवियस राइड की है अपनी, देखिए ये इस तरह से कुछ कैंसिल की गई हैं, कुछ मैंने लगाई हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कैंसिल करने से क्या फ़ायदा होता है, क्या नुकसान होता है धीरे धीरे। सेल्फ ड्राइव बुकिंग, देखिए अब इसमें एक और ऑप्शन नया आया है जिसमें कि आप खुद ड्राइव करके ले जा सकते हैं, ठीक है। ये भी एक बढ़िया ऑप्शन है, अगर आप चाहते हैं तो आप रेंट पे अपनी गाड़ी ले सकते हैं और आप चला सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो आपके पास है, नो योर राइड्स है, राइड्स के बारे में आपको बताया गया है, जो अलग अलग आपके डिटेल्स हैं। जैसे देखिए ऑटो, जहाँ पर ऑटो मिलेगा वहाँ पे आप ऑटो ले सकते हैं। शेयर में होता है आपका कि जैसे मान लीजिए एक पर्सन है वो गाड़ी में बैठा है, कोई दूसरा पर्सन है कोई भी अननोन वो भी उस गाड़ी को ले सकता है, तो मैक्सिमम 3 इसमें ले सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है माइक्रो में आपको शेयर अपनी सिटी के अंदर ही अपने लिए बुक करनी है। मिनी भी वैसे ही है। इसके अलावा प्राइम सेडान आप ले सकते हैं, प्राइम एसयूवी आप ले सकते हैं। इसके अलावा ऊपर आप देख सकते हैं सिटी टैक्सी लिखा है, फिर आउटस्टेशन है। आउटस्टेशन के लिए भी आप अपने सहूलियत के अनुसार, अपने कैपेबिलिटी के अनुसार कोई भी गाड़ी बुक कर सकते हैं। और ये होती है रेंटल, मतलब आप पर्सनली पूरे सिटी में कहीं घूमना चाहते हैं तो उसके लिए आप अपनी पर्सनल तरीके से अपने बजट के अनुसार ये गाड़ी बुक कर सकते हैं। तो फिलहाल
फिलहाल इस वीडियो में मैं सिर्फ इतना ही बताऊंगा, क्योंकि आपको कन्फ्यूज़न हो जाएगा, इसलिए सिर्फ इतना ही बताऊंगा कि अभी आपको मैंने बताया कि किस तरह से लॉग इन लॉग आउट रखना है और किस तरह से आपको अपनी जो ओला जो आपकी ऐप है उसको यूज़ करना है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ जिसमें मैं बताऊंगा कि आप किस तरह से बुक कर सकते हैं, OTP का क्या है, किस तरह से कैंसिलेशन होगी, किस तरह से आप उसमें मनी कैशबैक ले सकते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड हैव अ नाइस टाइम। गुड डे।